गुरु और शिष्य के रिश्ते को समाज में काफ़ी पवित्र माना जाता है और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले के पीछे उसकी सफलता में उसकी गुरु की भूमिका अहम मानी जाती है। वहीं भागलपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें एक स्कूल के दो शिक्षकों पर एक नाबालिग छात्रा के साथ शर्मनाक हरकत करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शहर के सेंट जोसेफ स्कूल के दो शारीरिक शिक्षक द्वारा एक छात्रा के साथ शर्मनाक हरकत की गई है, जिसकी शिकायत नाबालिग के परिजनों द्वारा भागलपुर ललमटिया थाने में दर्ज कराई गई है। वहीं नाबालिग छात्रा के परिजनों ने ललमटिया थाना में दोनों आरोपी शिक्षकों के विरुद्ध दर्ज कराई गई प्राथमिकी में दोनों शिक्षकों द्वारा नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने की बात कही है, जबकि दोनों शिक्षक की पहचान भागलपुर निवासी सुरेश प्रसाद के पुत्र मुकेश कुमार और रामानंद यादव के पुत्र प्रिंस यादव के रूप में हुई है। बता दें कि आरोपी शिक्षकों पर पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके बाद उन दोनों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी मुकेश और प्रिंस को जेल भेज दिया गया। इधर इस घटना से नाबालिग लड़की काफ़ी डरी और सहमी हुई बताई जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर सिटी DSP अजय कुमार चौधरी ने कहा कि नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी दोनों शिक्षक को नाबालिग छात्रा के फर्द बयान पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुकेश कुमार प्रिंस। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन मनाए जाने वाले गणेश पूजा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इसको लेकर प्रथम पूज्य गौरीपुत्र गणेश के पूजन के लिए भागलपुर में भी कई जगहों पर गणेश उत्सव समारोह की तैयारी की जा रही है। एक ओर जहां पूर्व के वर्षों में महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के शहरों में गणेश पूजन की धूम देखी जाती रही है, वहीं बदलते समय और आस्था को लेकर बीते कुछ वर्षों में बिहार समेत भागलपुर में भी कई जगहों पर सिद्धि विनायक गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा समारोह की जाने लगी है। वैसे तो कुछ इलाकों में जहाँ काफ़ी लंबे समय से भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी पर गजानन गणेश की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है, लेकिन समय के साथ इसका भी चलन बढ़ता गया, जिससे अलग अलग मोहल्ले में भी धूमधाम से गणपति उत्सव समारोह मनाया जाने लगा। वहीं इसको लेकर बाजारों में लोगों द्वारा फल और पूजन सामग्री की भी खरीदारी की गई। बता दें कि मंगलवार को होने वाले गणेश पूजा समारोह को लेकर पूजा समिति की ओर से कई जगहों पर पंडाल निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़ा को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से सोमवार को भागलपुर शिला विवाह भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवा कार्यकर्ताओं के साथ कई लोगों ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि भागलपुर शहर में डेंगू बीमारी के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि, जिसके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को रक्त की कमी से परेशानी नहीं हो और समय रहते संग्रहित रक्त लोगों के काम आ सके। इस दौरान कुल 21 मंडल के भाजपा कार्यकर्ता और अन्य लोग शामिल हुए, जबकि रक्तदान शिविर में करीब 100 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। वहीं इसको लेकर भाजपा नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर उन लोगों द्वारा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 7 दिनों तक सेवा से जुड़े अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मौके पर जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, भाजपा नेता अरजीत शाश्वत, पवन मिश्रा, चंदन ठाकुर समेत भाजपा के कई नेता और युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोर्चा के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जो इस नए भारत के निर्माता हैं, उनके जन्मदिन पर जो सेवा पखवाड़ा सेवा सप्ताह चल रहा है, उसी कड़ी में आज यह बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन पूरे भारतवर्ष में हो रहा है और चंदन ठाकुर जी के नेतृत्व में यह रक्तदान शिविर, आनंद जी बैठे हैं, अरजीत जी हैं, सारे लोगों का अच्छा प्रयास है और यह रक्त देने का उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री जैसे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे हैं, वैसे जो ऐसे लोग जो बीमार हैं जिनको रक्त की आवश्यकता है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, वो स्वस्थ हों और स्वस्थ भारत बने, उसके निर्माण की जो नींव प्रधानमंत्री रखी है, युवा मोर्चा उस सशक्त प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है और यहाँ हमारे कुशल नेतृत्व में भाई
हमारे संतोष शाह जी जो कि अध्यक्ष हैं, और हमारे युवा मोर्चा के भाई चंदन ठाकुर जी जिला अध्यक्ष, उनके संयोजन में यह कार्यक्रम भागलपुर में हो रहा है। और सैकड़ों की संख्या में युवा और माताएं बहनें भी आकर के यहां पर रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान महादान, जीवनदान, और हम लोगों का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति, जिस प्रकार से डेंगू का प्रकोप भागलपुर में फैला हुआ है, उसे रोकने में प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और लगातार महीनों भर तक ये कैंप जो है आगे भी लगाते रहेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई तरह की कवायद शुरू की जा रही है। इसको लेकर भागलपुर में शिक्षा विभाग के अलग अलग अधिकारी जिले के कमजोर स्कूलों को गोद लेंगे और वहां की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अलावा BEO, BRC, BRP और विभाग के अन्य विभागीय अधिकारी भी स्कूलों को गोद लेंगे, जिनकी प्रक्रिया जारी है। इसको लेकर विभाग द्वारा चिट्ठी भी जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा यह तैयारी की गई है। वहीं इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि वे लोग ग्रामीण और दियरा क्षेत्र के विद्यालयों को गोद लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसके तहत जिले के 5 दियरा एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल को अधिकारियों द्वारा गोद लिया जाएगा। DEO ने बताया कि इस दौरान स्कूल में बच्चों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान रहेगा, जबकि खेलकूद की गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। DEO संजय कुमार ने कहा कि खासकर वैसे स्कूल को गोद लिया जाएगा जिसमें बच्चों की उपस्थिति कम हो, जिससे वैसे स्कूल में बच्चों के उपस्थिति को बढ़ाकर खेल खेल में बेहतर शिक्षा व्यवस्था समेत कई तरह के खेल कूद की गतिविधि पर कार्य किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था से खासकर गोद लेने वाले स्कूलों के बच्चे को भी पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों में अपनी क्षमता विकसित करने और अव्वल आने का मौका मिलेगा। हम लोग अभी विभागीय आदेश आया है कि 5-5 प्रत्येक पदाधिकारी 5-5 विद्यालयों को चिन्हित करके गोद ले, तो हम लोग अभी ऐसे ये 1-2 दिनों में सारे अफसर से चिन्हित कर लेंगे विद्यालयों का, और वैसे विद्यालय को हम लोग चिन्हित करेंगे जहां पर ऐसे कि बच्चों की उपस्थिति कम है, ताकि ये मतलब कि नज़र आए कि हम लोगों ने ऐसे कि भी कुछ प्रयास किया है, उन विद्यालयों में जो बेहतर हो सकेगा वो हम लोग ऐसे उपलब्ध। मेरा नाम आर के सिंह है और मैं बरियातू रांची का रहने वाला हूँ, और मुझे 4 साल से डायबिटीज़ था। जीटामेट प्लस दवा खाते थे, जीटामेट 2000, और यही खा करके कंट्रोल किए हुए थे। फिर जब डॉक्टर साहब के बारे में पता चला, एक्चुअली हमारे कलीग, हमारे ऑफिस के कुछ कलीग यहाँ इलाज करा रहे थे, तो उन्होंने बहुत फ़ायदा हुआ था। तो वही हम भी ट्रायल में आए थे, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा था पहले, तो ट्रायल में आए तो जब यहाँ का दवा हम खाए जो इन लोग परहेज जैसे बताए किए, तो 1 महीना के बाद ही मेरा डाउन होने लगा। और 2 महीना से मैं कोई दवा नहीं ले रहा हूँ, धीरे धीरे सब दवा छूट गया। पहले अंग्रेजी दवा छूटा, और अंग्रेजी दवा को पहले पावर कम किए डॉक्टर, और उसके बाद फिर पूरा दवा छूट गया इंग्लिश, और एलोपैथ दवा छूटने के बाद सिर्फ ये इनका दवा चला, और 2 महीना से इनका दवा भी नहीं चल रहा है। और मेरा शुगर अभी 122 है, खाना खाने के बाद चावल वगैरह सब, चावल आलू का सब्जी चोखा सब खाने के बाद भी मेरा 122 है पिछले सैटरडे का रिपोर्ट, और इसके पिछले हफ्ते का था 128, तो मेरा रेंज में रह रहा है, मतलब 130 से ऊपर नहीं जा रहा है पूरा खाना खाने के बाद भी। भागलपुर में अपना पांव पसार चुके डेंगू से जहां लोग काफ़ी परेशान हैं, वहीं दिन प्रतिदिन डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या से लोगों में भय और दहशत का माहौल बन गया है। वहीं डेंगू महामारी से निजात पाने के लिए लगातार 4th दिन भाजपा नेता गौतम कुमार और बंटी यादव के द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में फॉगिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर कर्मियों द्वारा छिड़काव किया गया, जिससे डेंगू का मच्छर निष्क्रिय हो सके और लोगों को इस बीमारी के प्रकोप से राहत
मिल सके। वहीं इसको लेकर भाजपा नेता बंटी यादव ने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और शहर के विभिन्न वार्डों के गली मोहल्ले में स्प्रे का छिड़काव करवाया जाएगा, जिससे डेंगू की रोकथाम की जा सके। मौके पर पार्षद नंदिकेश चांडिल्य, मोंटी जोशी और शशि मोदी के अलावा भाजपा नेता देवव्रत घोष एवं प्रणब दास समेत कई लोग मौजूद रहे। डेंगू भागलपुर में अभी लगभग बहुत तेजी से फैल रहा था। विगत चार दिनों पूर्व से ही ये शुरुआत हुई, मैंने किया है। हर वार्ड में लगभग एंटी लार्वा का स्प्रे ब्लीचिंग पाउडर के साथ डिलक करने का और भी जो उसमें केमिकल है वो डाल के करवाने का कोशिश किया जा रहा है। ये आज चौथी दिन है, आज भी चल रहा है। लगभग 50-60% जो वार्ड है आज कंप्लीट हो जाएगा। जो बच जाएंगे वार्ड उसको भी हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। हर जगह छिड़काव करने का एक प्रयास है कि डेंगू की जो महामारी है वो बढ़े नहीं, और जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, अभिभावकगण हैं, उनको इनसे पीड़ा होने का संभावना कम हो जाए।